बॉलीबज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जी हाँ, आपको सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले सलमान खान विवाद में आ गए थे इस बात को लेकर कि उन्होंने पाकिस्तानी एक्टर्स का समर्थन करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के एक्टर्स का भारत में हो रहा विरोध सही नहीं है, जिसको लेकर सलमान खान को सोशल मीडिया पर कई आलोचना का शिकार होना पड़ा था और सलमान खान को कई लोगों ने खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन उसके बावजूद सलमान खान अपनी बात पर अडिग रहे थे। उनकी इसी मनमानी के चलते सलमान खान को एक बहुत बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। जी हाँ, होता दिख ही नहीं रहा, ये नुकसान हो चुका है। आपको बता दें कि सलमान खान ब्रांड एम्बेसडर थे कोका कोला कंपनी के, जो भारत में सारे एड्स किया करते थे। लेकिन अब कोका कोला ने इस विवादित बयान और भारत में सलमान खान की आलोचना के चलते ही उनको ब्रांड एम्बेसडर से हटा दिया है। आपको बता दें कि सलमान खान कई सालों से कोका कोला के एड में दिखाई दे रहे थे और उनके विवादित बयान के बाद से ही ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कोका कोला ने ये फैसला लिया है। हालांकि ऑफिशियली कोका कोला ने कहा है कि उनका करार खत्म हो गया है और अब उनकी बढ़ती उम्र के कारण उनसे ब्रांड एम्बेसडर का ये पद हटा लिया जाता है। आपको बता दें कि सलमान खान को रिप्लेस कर रहे हैं इंडिया में सबसे ज्यादा तेजी से रफ्तार से तरक्की करते बहुत बड़े सुपरस्टार रणवीर सिंह। आपको बता दें, रणवीर सिंह की हाल ही में कुछ ऐसी मूवीज आई हैं जिन्होंने रणवीर सिंह को बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया है। इससे पहले भी आपने सुना होगा कि एक बार आमिर खान ने भी भारत छोड़ने की बात कही थी और भारत के लोग इस पर काफी नाराज हुए थे, जिसके चलते टाटा स्काई और स्नैपडील ने उनका करार खत्म कर दिया था। इससे ये सबक तो जरूर मिलता है कि भारतीय एक्टर्स और सुपरस्टार्स इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि वो भारत की भावनाओं को कभी आहत नहीं करेंगे। अब की बार मनमानी किसी की नहीं चल सकती। बॉलीबज वर्ल्ड की रिपोर्ट।